हेलो एवरीवन, ओम शांति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आशा करती हूँ कि आज की मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कॉमेंट करके जरूर अपनी राय रखें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज की हमारी मोटिवेशनल वीडियो की टॉपिक है सफल होने का सही तरीका। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सफल होने का सही तरीका, आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का एक सही मार्ग क्या होता है। कई लोगों को रास्ता तो पता होता है, लेकिन यह नहीं पता होता कि उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप वाइज स्टेप चढ़ते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि सबसे पहली सीढ़ी पर चढ़ गए और फिर अगला कदम चौथी या पांचवी सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप गिर भी सकते हैं। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप यही गलती करते हैं कि आप पहले के बाद तीसरी, चौथी या पांचवी पर कदम रखना चाहते हैं, और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, आप हमेशा इस सर्किल को ध्यान में रखिएगा। सर्किल को ध्यान से देखिए और समझिए। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए। तो इस सर्किल को आप ध्यान से देखिए और समझिए। इस सर्किल की एक एक बातों को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान का होना। सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन किस चीज का ज्ञान है, उसके बाद ये ज्ञात करने के बाद उसी ज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि आपको यह क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपना एक लक्ष्य बनाएंगे, तो अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या पेंटर बनना है, या डांसर बनना है, या सिंगर बनना है। आपको करना क्या है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए और फिर अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है, आपको ये काम क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हैं। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरे के चक्कर में आकर अपना क्यों वाला आंसर निकाल लेते हैं, जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं या इसलिए करेंगे क्योंकि आपको ये काम करके खुशी मिल रही है, क्योंकि इससे आपको पैसा कमाना है और आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये याद रखें कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट, योग्यता का होना। अब दूसरे नंबर पर आती है योग्यता। चलिए इसके बारे में समझते हैं। आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए यदि आप में योग्यता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको पास्ता बनाना है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको पास्ता बनाना है क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है, आपको इसकी योग्यता होनी चाहिए, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि आपको इसे कैसे बनाना है। अब पास्ता पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और उसे देख देख के आप सीख कर बना लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन पास्ता की तरह नहीं है कि 10 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं। आपको जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करना है तो उतना ज्यादा समय आपको लगता है। अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए जब भी आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जैसे MBBS करना है तो 4 से 5 साल लगेगा, BE करना है तो 4 से 5 साल लगेगा,
बीकॉम या बीएससी करना है तो 3 से 4 साल लगेगा। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी योग्यता पर डिपेंड करेगा यहाँ पर आपको कितना साल लगेगा। तो इसका मतलब क्या और क्यों पता होने के बाद इसका पता होना बेहद जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे, अपनी योग्यता को डेवलप कैसे करेंगे। तो ये दो स्टेप काम नहीं करेंगे तो आप तीसरे स्टेप को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये दो स्टेप अच्छे से समझ लीजिए, फिर तीसरे स्टेप पर हम सब चलते हैं और समझते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, यानी अपने आखिरी पड़ाव पर। तो जरा ध्यान से समझिएगा थर्ड पॉइंट, किसी भी काम में आपकी इच्छा शक्ति का होना। अब आपकी इच्छा भी होनी चाहिए किसी भी काम के प्रति। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्योंकि उनका काम करने का मन या उनके काम करने की इच्छा नहीं होती है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप में मोटिव प्लस एक्शन का होना भी बेहद जरूरी है, और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप उस काम को या उस टास्क को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। थॉमस अल्वा को पता था कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है और उन्हें कैसे करना है। वो बहुत समय तक कर भी रहे थे लेकिन बहुत बार और असफल हो रहे थे, फिर भी वह कोशिश करते रहे लगातार, जिसके वजह से वो एक दिन सफल हुए। यदि उनकी इच्छा शक्ति काम नहीं करती तो फिर वो आज ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति लगातार काम कर रही थी और उन्होंने हार नहीं मानी, तभी उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें, जो निम्नलिखित हैं। पहला, ज्ञान का होना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है और क्यों करना है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, योग्यता का होना। योग्यता प्राप्त करने के बाद आपको कैसे करना है और ये जानना भी बेहद जरूरी है। तीसरा, अब ज्ञान और योग्यता के बाद आता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपकी इच्छा भी होनी बेहद जरूरी है। आशा करती हूँ कि आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी और आप सब जरूर सीख पाए होंगी सफल होने का सही तरीका क्या है। तो इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। वी शेयर वी ग्रो। प्रणाम।